गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3.05 करोड़ का अलोकेशन किया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इन द बजट 2021, जहां आप देखेंगे उन सभी कंपनी को फायदा आते हुए जो कि पावर जनरेशन में है और जिनका हाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इसका की बेनिफिशियरी हो सकता है टाटा पावर। वेल फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही गए होंगे प्रोमो के पहले कि मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ टाटा पावर के बारे में। तो एक क्विक रिव्यू करेंगे टाटा पावर का। टाटा पावर एक मिड कैप पावर सेक्टर से कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,263 करोड़ है। अगर टाटा पावर के बिजनेस को देखा जाए तो इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज देयर ट्रांसमिशन बिजनेस एंड अनदर इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। अगर कंपनी के ट्रांसमिशन बिजनेस की बात करें तो कंपनी ट्रांसमिशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इंटर कंट्री एज वेल एज इंट्रा कंट्री। अगर इनके एक्सपर्टाइज की बात करें तो मल्टी लेयर यू नो सर्किट नैरो टावर्स जो होते हैं उन्हें डेवलप करती है इन दी यू नो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में। वहीं अर्बन एरियाज में ये एक्सपर्टाइज रखते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन में वोल्टेज अपग्रेडेशन किया जाए, और वहीं फॉरेस्ट एरियाज में किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन्स डाली जाए, इसमें एक एक्सपर्टाइज रखती हैं टाटा पावर कंपनी। जबकि इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी करीबन 11.5 मिलियन कस्टमर्स को क्वालिटी पावर सप्लाई करती है अक्रॉस मुंबई, दिल्ली, अजमेर एंड उड़ीसा। सो फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फंडो टेक्नो पार्ट्स ऑफ द टाटा पावर। सो वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2021 में एक अच्छा अलोकेशन किया है करीबन 3 करोड़ का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे, जिसका सीधा फायदा हम टाटा पावर जैसी कंपनीज को आते हुए देखेंगे। नाउ टाटा पावर कंपनी में एक टर्न अराउंड पोटेंशियल है, जबकि इनके कैश फ्लोज की अगर बात करें तो नेट कैश फ्लो इनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी हमने एक अच्छा इंक्रीज देखा है। वहीं FIIs और FPIs की शेयर होल्डिंग में भी हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी है। टेक्निकल चार्ट सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो हाई से करीबन 115 रुपए का हाई हमने देखा है टाटा पावर पे, वहां से करीबन 20% की हमने गिरावट देखी है इसके चार्ट पर। मौजूदा अभी थर्सडे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक करीबन 11% तक नीचे लुढ़का भी है, तो क्वालिटी स्टॉक को पिक करने का ये एक सही समय होता है और पोर्टफोलियो में इसे जगह देनी चाहिए। तो मुझे लगता है जब तक टाटा पावर अपने 79 रुपीज के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको एक अक्यूमुलेशन की सिप की तरह स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। टाटा पावर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए और यहाँ से मौजूदा भाव जो कि आज 94-95 रुपीज के आसपास है, यहाँ से 120 रुपीज तक के यू नो हम टारगेट्स लुक आफ्टर कर सकते हैं, जो मौजूदा भाव से करीबन 20-25% है। तो टाटा पावर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान, और क्या बढ़िया आपकी आज की पूरन पुली पिक होगी। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग बिरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल पहले तो आज नववर्ष है और आई स्टिल रिमेम्बर कि हम न्यू ईयर पे थे, तब मैंने कुछ चार लाइनें आपके साथ शेयर की थी एज मेरी भावना। थोड़ा सा टाइम लेना चाह रही हूँ। तो अगेन कोरोना की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और एक भय भी बढ़ रहा है, और आज एक नववर्ष है। मैं कोशिश भी यही कर रही थी कुछ बाय कॉल ही आज लेकर मुझे जाना है, एंड आई गॉट दिस स्टूडियो से मुझे बोला गया कि आज बाय कॉल देना है। सो ऑन दिस लाइक इस भय वाली स्थिति में जो एक भावना मुझे लगती है इज ऑल अबाउट कि इट शुड बी, ये एक मन की भावना है और आई थिंक सबकी होनी चाहिए, दैट इज रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जाए, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखला है। सो ये बहुत जरूरी है इस कोरोना काल में कि एक सहनशीलता हमारे मन में हो और हम बहुत जल्दी इससे बाहर निकले और प्रगति की ओर अग्रसर हो। तो ये मेरी भावना है और ये सबकी भावना हो, यही कामना कर रही हूँ। और गुड़ी पड़वा पर आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पूरनपुरी की बात करें, मुझे बहुत भूख लग रही है वीरेन जी बनाने वाले, तो वीरेन जी इसको पार्सल किया जा सकता है इंदौर तक। तो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी गुड़ी पड़वा टू एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ कार्तिका टीम। एंड काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है, अगेन वीरेन जी आप ये बोलने वाले हैं कि लेबोरेटरी स्टॉक्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है कविता मैडम। सो अगेन एक स्टॉक जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, और API as we all know कि इज द थीम ऑफ द डिकेड, नॉट ओनली इन द इंडियन मार्केट, वर्ल्ड वाइड टू।
तो डिविज लैब काउंटर मुझे काफी अच्छा लगता है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट. तो फंडामेंटली भी काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, अभी कंसोलिडेशन में है. मुझे लगता है इसे एज एक्यूमुलेशन एक स्ट्रेटेजी रखना चाहिए. SIP के तहत आप डिविज लैब काउंटर में बाइंग कीजिए. छोटे छोटे हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं, पर मुझे लगता है काउंटर 4500 तक के लेवल्स के लिए ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा. 3300 का एक SL मेंटेन करना चाहिए और डिविज लैब काउंटर में हम एक बाइंग कर सकते हैं. अपार्ट शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से लालपत लैब, एप्का लैब आई ऑलरेडी शेयर, वो काउंटर्स भी अच्छे हैं, बट डिविज लैब इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग इन अमंग ऑल. डिविज लैब स्ट्रॉन्ग रैप 4500 रुपए का. यार देखिए, ये जो आज की लॉन्ग कॉल्स है ना, ये एक पर्व के उद्देश्य से ली गई है कि हम निवेश क्या करें जिससे हमारी वेल्थ क्रिएट हो. ये एक डे ट्रेड नहीं है, तो शॉर्ट और लॉन्ग का लॉजिक नहीं था, निवेश एक लॉजिक था. पूरन पोली कॉल थी, ये शेयर था. अब बात करते